अपना पाटिल ने इतना सारा भोजन कैसे कर लिया? उत्तर दे। उत्तर मैं दूंगा सरकार। क्या उत्तर है? उत्तर दे। हाँ हाँ उत्तर दो अंता जी। चलो पीछे हटो। आपके सारे प्रश्न सारी दुविधाओं का एक ही जवाब है सरकार, वो बैरागी। क्या? हाँ सरकार, वो बैरागी। भोग करने वाले को रोग का भय, कुल में पतन का भय होता है। धनी को राजा का भय और आत्मसम्मान वाले को दीनता और निर्धनता का भय होता है। बलवान को शत्रु का और रूपवान को बुढ़ापे का भय होता है। विद्वान को वाद विवाद का और गुणी को मूर्ख का भय होता है। शरीर को मृत्यु का भय होता है। इस संसार में हर चीज मनुष्य में भय पैदा करती है, बस सिर्फ वैराग्य ही है जो भय से पूर्णतः मुक्त है। हरिओम। उस बैरागी को नीचे गिराने की जितनी कोशिश कर रहा हूं उतना ही मेरे सामने चुनौती बन के खड़ा होता जा रहा है। कोई और उपाय ढूंढना होगा। इस बैरागी पर नजर बनाए रखना। जी सरकार। और सुनो, वो खाने वाली बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। खाने वाली बात? कौन सी खाने वाली बात? हरिओम। डरा। क्या खा लिया था जो इतना दर्द हो रहा है? मैं अभी आती हूँ। अब तू कहाँ चली? इनके लिए औषधि लाने। किससे? साई से। साई से, जिसे पूरा गांव पाखंडी समझता है। आई। उससे मेरे बेटे का इलाज करवाओगी? हाँ आई। तू गप्पस, तेरे लिए तो आई वेड़ी है ना। और तू तू उस जादू टोने वाले से औषध मत लाना, समझी ना। इस गांव में एक ही वैद्य है और वो है कुलकर्णी सरकार। अरे दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास से इलाज करवाने के लिए, और तू तू उस ढोंगी पखंडी के पास से मेरे बेटे का इलाज करवाना चाहती है? कान खोल के सुन ले, औषधि आएगी तो सिर्फ कुलकर्णी सरकार से, समझी ना। ऐसा का ये लो, तात्या का नया कुर्ता सिला दिया है। ये अप्पा जी को क्या हुआ? इनके पेट में बहुत दर्द है। काशीराम सही वक्त पे आए हो। बाईजा के साथ जाओ, औषधि लानी है कुलकर्णी सरकार से। लेकिन आई कुलकर्णी सरकार की वजह से ही तो। आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। विठला।
हरिओ आज पूरे दिन में दूसरी बार आप मेरी चौकट पे आई हो भाईजा का लगता है शिरडी चमत्कारों की भूमि बनती जा रही है कहिए सब कुशल मंगल तो है घर में औषधि लेने आई है औषधि इसका मतलब खाने ने अपना असर दिखा दिया हरिओम औषधि घर में कोई अस्वस्थ है क्या अप्पा जी अप्पा जी क्या हो गया अचानक से अप्पा जी को जब से आपके घर से लौटे हैं तब से उनको मात्र मेरे घर आने से लोग अस्वस्थ होते हैं तो अब तक पूरे शिरडी को अस्वस्थ हो जाना चाहिए था भाईजा का अब भूल रही है कि मैं वैद हूँ लोगों के रोग दूर करता हूँ इतना ही नहीं पूरे शिरडी को रोग मुक्त रखने का प्रण लिया है मैंने कल प्रातः समय आइए औषधि तैयार मिलेगी सुबह उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है उनके पेट में बहुत दर्द है और आप कह रहे हैं कि मैं सुबह हूँ भाईजा का मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ भाई जाका और अप्पा जी की भी लेकिन साथ ही साथ वनस्पतियों की पीड़ा का भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे सूर्यास्त के पश्चात वनस्पतियों को हाथ नहीं लगाता मैं मेरे निद्रा का समय हो गया है हरिओम यदि वो पीड़ा में होते भाई साहब का अगर आप कहें तो मैं लौट कर जाऊं कुलकर्णी सरकार से विनती करूं शायद वो मान जाएं अप्पा रात भर इतनी तकलीफ में कैसे रहेंगे भाई साहब का उधर कहां जा रही है घर तो इस तरफ है लेकिन साईं इस तरफ है खंडर में बैठ के सोचता है कि पूरी शिरडी बरगला देगा लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे अंता जी ये दोनों इस समय उधर किधर जा रहे ये रास्ता तो खंडर की तरफ जाता है जरूर ये दोनों साई से मिलने जा रहे होंगे अंता जी ये बायजा का सरकार के आदेश को कभी मानती ही नहीं है आज इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं मैं पीट दूं इन दोनों को उठाओ ये तो गोबर है तो क्या हुआ तो आप क्यों नहीं उठा लेते तो आपको मौका दे रहा हूँ पर आप नहीं उठाना चाहते तो ठीक है मैं तो खुशी खुशी उठा लूंगा अंता जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये गोबर नहीं इनाम है समझे लेकिन देर से जब मैं ये गोबर उठाऊंगा और बायजा का के ऊपर फेंकूंगा तो इनाम किसे मिलेगा मुझे मैं उठाता हूँ नहीं नहीं मैं उठाऊंगा गोबर हिम्मत है तो सामने आओ चलो काशीराम उनकी तबीयत ठीक नहीं है हमें चलना चाहिए
हालत देखकर दुखी मत हो। तुम तक पहुंचने के लिए तो मैं मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी बायजामा। जानती हूँ, लेकिन अभी अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब इतना खाना खिलाया जाएगा तो तबीयत तो खराब होगी, पर बेफिक्र रहो बायजामा, इस संसार में हर कर्म का फल है। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पर कर्म के फल से मुक्त नहीं है। कोई बचना भी चाहे तो कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता। अप्पा जी के सिराने बैठकर ज्ञानेश्वरी पढ़ो, उन्हें आराम मिलेगा। तुम समझ नहीं रहे हो साईं, वो पीड़ा में करा रहे हैं, बहुत दर्द है उन्हें, और तुम कह रहे हो कि मैं उनके सिरहाने बैठकर केवल ज्ञानेश्वरी पढूं। मुझ पर विश्वास है ना बायजामा? आस्था किसी सबूत की मोहताज नहीं होती, ये मैंने सुना था, लेकिन आज खुद महसूस करके देख रहा हूं। लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ये अंधविश्वास है, जहां दवा की जरूरत है वहां दुआ का सुझाव दे रहे हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर ये अंधविश्वास है तो हो, मैं भी विश्वास करके देखना चाहता हूं, जैसे बायजाक्का ने किया है। अल्लाह मालिक। औषधि कहाँ है? आई वो कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते, इसलिए औषधि तो कल ही मिलेगी। कल? तो क्या मेरा बेटा इतनी तकलीफ में रात बिताएगा? हाँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। आई रुक, ये तेरी साड़ी पे गोबर कहां से लगा? आई वो रास्ते में देवा काय करो। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसं वेद्या आत्मरूपा देवा तुचि गणेशु सकलात्मति प्रकाशु भणे निवृत्ति दासु अवधारिजो जी। जब जीवन में दुख का नियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जला, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से शीश झुकाए। ओम साईं।
आपको ठीक तो लग रहा है ना? साई कृपा। मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। पता नहीं तुम पर इतना विश्वास, इतनी आस्था क्यों है मुझे, लेकिन मुझे मां कहा, पत्थर मारा तो मौनी का रोग दूर कर दिया, ज्ञानेश्वरी पढ़ने का मार्ग दिखाकर अब्बा जी का कष्ट दूर किया, ना ही तुम्हारी बात ईश्वर तक पहुंचती है। सबके रोग दूर करने आए हो तुम, शिरडी के लिए आशीर्वाद बनकर आए हो तुम। अब्बा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते। बढ़िया आए थे मुझसे औषधि लेने। कुलकर्णी सरकार मूर्ख नहीं है जो औषधि देकर अप्पा के कष्ट कम कर दे। हरिओम हरिओम। कुलकर्णी सरकार ने दवा नहीं दी, अब मैं अपने बच्चे को ऐसे वैद्य की जरूरत है जो सबका इलाज करे बिना पक्षपात के। लेकिन अभी अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब। कल प्रातः समय आई है, औषधि तैयार मिलेगी। मैं अपने बच्चे को लेकर कहां जाऊं? शिरडी को ऐसे वैद्य की जरूरत है जो सबका इलाज करे। अप्पा जी की तबीयत बिना पक्षपात के। औषधि तो कल ही मिलेगी। दर्द की दवा हो तो उम्मीद तो होती है, लेकिन जब दवा होते हुए भी उम्मीद ना हो तो तकलीफ कितनी गहरी होती है ये शिरडी के लोग ही समझ सकते हैं। शत्रु मित्र, धनी निर्धन, धर्म जाति कुल, इन्हें इलाज करने या ना करने के लिए आधार कैसे माना जा सकता है? और खास तौर पर तब जब शासक ही स्वयं वैद्य हो, तो क्या शासक की यह जिम्मेदारी नहीं कि उसकी प्रजा रोग मुक्त रहे? फिर शर्त कैसी? अहंकार क्यों? शिरडी के लोगों को दवा मिलेगी और जरूर मिलेगी। साई, साई। साई कहाँ चले गए होंगे? झोला भी नहीं है उनका। गांव में जाके देखती हूँ। आपने साई को देखा क्या? साई? वो तो खंडर में रहता है ना। बाहर से तो आई हूँ मैं अभी। तो फिर मुझे नहीं पता। आपने साई को देखा है? दूर हटो, दूर हटो। साई को अभी जंगल की तरफ जा रहा था अपने झोला बोला लेके। क्यों, क्या हुआ? जंगल क्या? साई, 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 कहाँ है साई? है नहीं, वो बुला रही है उसे। चलो उसके पीछे चल के देखते तो है हुआ क्या है आखिर। हाँ चलो। अरे अंता जी। अरे हाँ पंता जी। बस
अभी और नहीं भागा जाता उसके पीछे। अब उसके पीछे भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अंता जी, गया वो भिखारी शिरडी छोड़ के। और अब ये शुभ समाचार सरकार को देना होगा, सरकार तो बहुत खुश होंगे हम पर। चलो सरकार को बता दें। हरिओम। अंततः उसे शिरडी से पलायन करना ही पड़ा। एक प्रकार से तो ये शुभ समाचार है, लेकिन साथ ही में चिंता का विषय भी। अब किसकी चिंता सरकार? कैसी चिंता सरकार? कई बार व्यक्ति की उपस्थिति से अधिक उसकी अनुपस्थिति उस व्यक्ति का महत्व बढ़ा देती है। इसलिए इससे पहले कि लोगों को उस भगोड़े का सत्य पता चल जाए, हमें लोगों का ध्यान किसी दूसरी दिशा में भटकाना चाहिए। वो कैसे? मनुष्य प्राणी बड़ा स्वार्थी होता है। उसके सामने अगर समस्या हो और उसे उसका व्यक्तिगत हित अहित बाधित हो रहा हो, तो वो दूसरों के हित अहित के बारे में नहीं सोचता है। और वैसे भी स्मृतियों की आयु बहुत छोटी होती है कि नहीं? समय के साथ सब धुंधला हो जाता है। पूरे गांव को चावड़े पे बुला लो, एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझे। हरिओम। मैंने सुना है हमेशा के लिए चले गए हैं साईं। हाँ कह तो रहे हैं लोग। लगता है कोई खास घोषणा होने वाली, तभी सरकार आए हैं। हरिओम। चतुर्मास का आरंभ होने वाला है, और जैसे हर वर्ष होता आया है, वैसे इस वर्ष भी महापूजा का आयोजन होगा। कल का दिन शुभ है मुनिम जी, चंदा इकट्ठा करना है। महापूजा इस समय? वो तो बात के महीने में होती है ना। ये सच कह रहे हैं? विलंब नहीं करना है सरकार। हर साल जब किसान अपनी फसल बाजार में बेच के आता है, उसके बाद ही चंदा दे पाता है पूजा के लिए। लेकिन इस बार तो फसल कटी भी नहीं है, ये बेचारे लोग चंदा कैसे दे पाएंगे? आप अपनी बात कीजिए महासभापति जी, लोगों से बात करने के लिए हम है ना। सरकार आप सबकी तकलीफों से परिचित है, और इसलिए उन्होंने इसका समाधान ढूंढ लिया है। जो चंदा नहीं देगा उसे अपनी जमीन देनी होगी। कल तक का समय है आप सबके पास। कल तक? आप सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं खुद के लिए मांग रहा हूं चंदा। चतुर्मास आ रहा है, और केवल आपसे नहीं, इस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति से लिया जाएगा चंदा, बिना पक्षपात के। और इस बार का सबसे बड़ा चंदा तो मैं खुद लेने जाऊंगा। हरिओम। आई रुक,
कहाँ घुसी आ रही है? मैं तो वो... मैंने बुलाया था उसे आई उपलो के लिए। झिपरी ये टोकरी वहां रख दो कोने में। सुन इसे रोक कर रखा, मैं अभी आती हूँ। लड्डू खाओ। लड्डू? क्या हुआ? साई की याद आ गई। कल आपने देखा ना कितनी मिठाइयाँ खिलाई थी। मुझे क्या पता कि मैं इसके बाद उनसे कभी नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलोगी तुम साई से? क्योंकि वो सीढ़ी चढ़कर चले गए। साई सीढ़ी छोड़कर? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सामने हुआ है, मैंने खुद देखा उनको जाते हुए। परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा होगा कि मैं उनसे फिर से कहूंगी चमत्कार दिखाने के लिए, इसलिए चले गए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि साई? हाँ। ए भाईजा, तू कहाँ जा रही है? चल अंदर। मुझे जाने दीजिए आई, वो मेरा साई, मुझे उसे रोकना होगा आई। अच्छा हुआ, बला टली शिल्डी से भी और हमारे घर से भी। आप कहिए ना आई से मुझे जाने दे। साई रक्षक है हमारा, शिरडी का रक्षक है वो। कल शाम को जो भी कुलकर्णी सरकार के यहाँ आपको जबरदस्ती परोसा गया, खाने के लिए मजबूर किया गया, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि वो सब आपके पेट में नहीं जा रहा है? साई की कृपा थी वो। कुलकर्णी सरकार आपको सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि मैंने साई को खाना खिलाया था, लेकिन साई ने उनके षड्यंत्र को विफल कर दिया। आपकी रात की तकलीफ भी साई की कृपा से ही दूर हुई थी, नहीं तो कुलकर्णी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपसे बदला लेने में। सृष्टि के पालनहार, आपको मेरी मदद करनी होगी। आपकी गोद में पल रही ये सभी जड़ी बूटियां, मुझे इनकी आवश्यकता है। तो ये सब साई की वजह से हुआ है? अब तो आपको विश्वास हो गया ना साई पर? विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि अगर तेरा साई नहीं होता तो ये नौबत ही नहीं आती थी।
तेरे साईं ने कोई उपचार नहीं किया, बल्कि उसने तो और कष्ट दिया मेरे बेटे को। तू तो अंधी हो गई। अंधी भाई ऐसे नहीं है साई तो। हाँ हाँ, तू तो अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा, माँ की नहीं। आई तो बेड़ी है। हाँ, साई कृपा, साई की वजह से सब हो रहा है। तुम तीनों एकजुट भी हो जाओ ना, तो भी मेरा विचार बदल नहीं सकते। कान खोल के सुन लो एक बात, मैं इस घर की मालकिन हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। और अगर इसके बावजूद भी तुम उस पाखंडी को मिलने गई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ए, तू यहाँ खड़ी तमाशा क्या देख रही है? हाँ, चल जा अपने घर, जा। हाय, मुझे सिर्फ एक बार साई को रोकने दीजिए, सिर्फ एक बार। इधर उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। तात्या की सौगंध दे दी आपने मुझे, एक बेटे की सौगंध देकर आप मुझसे मेरा दूसरा बेटा छीनना चाहती हैं? हाँ, ताकि तेरी मूर्खता से मुझसे मेरा बेटा ना छीन जाए। ए, तू क्यों खड़ी अभी तक? जा अपने घर पे, और दोबारा ऐसी खबरें लेकर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा यहां से। हरिओम। कल आप हमारे द्वार पर थे और आज हम आपके द्वार पर चले आए हैं। शिरडी में स्वच्छता अभियान का समय आ गया है और इसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है अप्पा जी। विश्वास है कि आप निराश नहीं करेंगे हमें। इस समय तुम्हारी आवाज में गुस्से से कहीं ज्यादा पीड़ा है, एक माँ की पीड़ा। और एक माँ की पीड़ा मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। चिंता मत करो। साई, साई,
आइए। शिरडी में स्वच्छता अभियान का आरंभ हुआ है, आप सबका साथ चाहिए। आपका साथ होगा तभी तो शिरडी का उद्धार होगा। शिरडी की भलाई के लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा समर्पित है। कहने वाले करते नहीं और करने वाले कहते नहीं अप्पा जी। शिरडी के भलाई के बारे में सोचते तो आप घर पर नहीं चावड़ी पे होते, पूरा गांव आया था। केवल आपका परिवार नहीं था। हरिओम। आना चाहता था पर शायद आपको पता नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हरिओम। शिरडी का वैद किसी के पीड़ा से अनजान। आपकी बहू ने कल आने में बहुत देर कर दी। लेकिन कुलकर्णी सरकार का वचन स्वयं लेके आ गया। औषधि दीजिए। कल प्रातः यज्ञ का भव्य आयोजन किया है। यज्ञ अचानक? लेकिन उसके लिए मौशी, तो मौशी मौशी गांव का शुद्धिकरण है, उसके लिए शुभ दिन की प्रतीक्षा क्यों है कि नहीं? शिरडी के कल्याण के लिए जो यज्ञ का आयोजन किया है उसके लिए महाप्रसाद बनेगा। और महाप्रसाद के लिए गेहूं, चावल, घी, गुड़, तेल, ये सब गांव के पाटिल से ही प्राप्त होगा। इसीलिए आपके पास चला आया। पर पूजा तो पूरे गांव के लिए हो रही है, तो सामग्री सिर्फ हमारे घर से क्यों? मौशी अब आप पूछेंगी शुद्धि पूजा क्यों है? क्योंकि गांव में अशुद्धि हुई है। अशुद्धि किसने की? और जिसने अशुद्धि की वही भरपाई करेगा, है कि नहीं? वो ढोंगी फकीर आया था ना गांव में, बड़ी कठिनाई से उसे भगा पाया मैं। जब से गांव में आया तब से कुछ ना कुछ अपशकुन कर रहा था। तंत्र मंत्र की भूमि नहीं है। अप्पा जी कहीं मैं कुछ अनुचित तो नहीं कह गया? यज्ञ के लिए आपको सामग्री भिजवा दूंगा। अरे आप कष्ट क्यों उठा रहे हो अप्पा जी, हम है ना। अनुमति दीजिए। अरे दे दी अनुमति, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? अप्पा जी मना थोड़ी ना करेंगे। चलो चलो उठाओ सामान, चलो चलो। अरे अरे कहाँ कहाँ घर में घुसे चले जा रहे हो? अरे रुको, क्या कर रहे, रुक जाइए। अरे रुको। कुछ मेवा बादाम भी मिल जाए तो भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे। अरे जरूर रखा होगा, रसोई घर में देखते हैं। कहा था ना अन्नपूर्णा का अपमान मत कर, देख लिया ना नतीजा? इतनी मेहनत से कमाया हुआ अनाज कैसे बाहर जा रहा है, भर भर के लेके जा रहे हैं। आई तो पागल है, ऐसे बड़बड़ाती रहती है। एक ही करनी, सबको भरनी। सरकार मिल गया।
कल घर में भोजन मत बनाइएगा। यज्ञ में महाप्रसाद का आयोजन किया है, करम भोज होगा, बड़ा आनंद आएगा। हरिओम। सामान ले गए इसलिए रो रहे हैं? नहीं, गांव में कोई भी पूजा हो तुम्हारी आई बहुत कुछ भेजती है खुशी खुशी। तुम्हारी आई इसलिए रो रही है क्योंकि इनका साई फिर से शिरडी छोड़कर चला गया, बिना कुछ कहे बिना मिले। लेकिन साई ने तो वचन दिया था कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। वचन दिया था उसने मुझे, मैं भूल कैसे गई? सुना आपने क्या कहा इसने? साई ने वचन दिया था मुझे, कहा था मुझसे कि वो शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कई बार बच्चे अपनी मासूमियत में वो सच्चाई कह देते हैं जो हम बड़े नहीं देख पाते हैं। दिया था उसने मुझे बच्चे, दिया था उसने मुझे बच्चे, उसने मुझे। जिस वजह से तुम दुखी हो बायजामा, उसे मैं अपने लिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ममता जानकर तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम्हारी इस ममता के लिए लोग हमेशा हमेशा तुम्हें मेरी माँ के रूप में याद रखेंगे। अवस्रजा वनस्पते देव देवेभ्यो हवि प्रदातुरस्तु चेतनम्। 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 मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए साईं। मैं जानता था कि आप यहां आएंगे, आपके चरणों का स्पर्श पाकर अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मुझे आदेश करिए मैं किस प्रकार आपकी सेवा करके धन्य हो सकता हूं। शिरडी और उसके आसपास के लोगों की पीड़ा, उनके दुखों, उनके रोगों को दूर करने के लिए आपकी इन वनस्पतियों की आवश्यकता है। मेरे पास जो कुछ भी है उसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूं साईं। और सच तो यही है कि आपके माध्यम से संसार के प्राणियों की सेवा करने में मुझे अनंत सुख मिलेगा। मैं जानता था कि आप यहां आएंगे, आपके चरणों का स्पर्श पाकर
अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मुझे आदेश करिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करके धन्य हो सकता हूँ। शिरडी और उसके आसपास के लोगों की पीड़ा, उनके दुखों, उनके रोगों को दूर करने के लिए आपकी इन वनस्पतियों की आवश्यकता है। मेरे पास जो कुछ भी है उसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ साईं। अपने खाने पीने का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कल गांव में जो पूजा है उससे पहले आप आ जाएं। हाँ, मैं सामान बेच के जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। कहाँ चल दिए काशीराम? अहमदनगर में बड़ा बाजार लगेगा सरकार, वहीं जा रहा हूँ। अपने व्यापार की बड़ी चिंता है तुम्हें? शिरडी की कोई चिंता नहीं सरकार, व्यापारी का तो धर्म है व्यापार करना। धर्म पर मुझे उपदेश दे रहा है तो काशीराम? यदि मैं चाहूं तो शिरडी के बाहर पैर नहीं रख सकता तो? समा सरकार, आपको क्रोधित करना मेरा मकसद नहीं था। सरकार, यज्ञ के लिए जिस चंदे की मांग की गई है मैं आज शाम को ही भिजवा दूंगी सरकार। काशीराम जी के हिस्से का चंदा हम अभी वसूल कर लेते हैं। क्यों सरकार, क्या कहते हो आप? बहुत ही अच्छा विचार है। हरिओम। सरकार, सरकार। हरिओम। अभी के लिए इतना काफी है, बाकी का चंदा घर आकर ले लेंगे। काशीराम, जाने की अनुमति दे रहा हूं, आकर भेंट देना ना भूलना, वरना बहुत दुखी हो जाऊंगा मैं। जी सर। हरिओम। जंगल से जा रहे हो ना काशीराम, संभल के जाना। हाँ, मैंने सुना है डाकुओं का नया गिरोह आ गया है, उन्हें जो भी सामान दिखता है लूट लेते हैं। सुनिए, मत जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जोखिम तो उठाना पड़ेगा गोदा, ये बाजार साल में एक बार ही लगता है, व्यापार करने का अच्छा मौका है। हे खंडोबा, इनकी हर मुसीबत से रक्षा कीजिएगा। लोगों का जाना आना बंद होगा जंगलों से तो हम डाकुओं का क्या होगा? दिन भर से कोई हाथ ही नहीं लगा। अगर आज कोई नहीं मिलता है तो हमें बाहर जाकर गांव ही लूटने पड़ेंगे। चुप! तुम लोग अगर अपनी बकबक बंद करके थोड़ा सतर्क रहते तो दो दिन पहले जो चूक हुई थी वो नहीं होती। डाकुओं के हाथों से लोग अगर ऐसे ही बच के निकलते रहेंगे तो डाकुओं का डर ही निकल जाएगा। जा रहे हो? आगे वही जा सकते हैं जिनके कर्म अच्छे हों। भेंट लाए हैं सरकार के लिए और आप लोगों के लिए भी। कर्म अच्छे नहीं है तो क्या हुआ अंता जी, अपने लिए भेंट क्यों लाए हैं ना? लाओ, जाओ अंदर में, आराम से जाना। हाँ, we'll be right back.
किसी ने उस बैरागी के बारे में बात तो नहीं की? नहीं सरकार, सबके दिमाग में तो अब पूजा और यज्ञ ही घूम रहा है। सबने चंदा जो दिया है। अरे ओ, मैंने कहा था ना, लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। खुद पर आए तो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। आप महान हो सरकार, पूरे शिरडी के एक में वो पालनहार आप ही तो हो। अरे ओ, अरे अंता जी, ये क्या कर रहे हो? इस महापूजा में लगने वाली सामग्री सबसे ज्यादा इन्हीं के घर से तो आई है, तो सबसे पहले इन्हीं का हक बनेगा ना। आइए पधारिए। कहने को पूरे गांव की पूजा है, सामान सारा हमारे घर से लूट कर लाया गया है। पाप किसी का ढोना पड़ रहा है हमको। अपनी भूमि को पवित्र रखना हमारा धर्म है। तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले शिरडी से गुजरते रहते हैं, लेकिन शिरडी ने किसी को रुकने नहीं दिया। इस भूमि को शापित अपवित्र होने नहीं दिया, लेकिन समय के साथ साथ यहां अधर्म प्रबल हो गया। इस भूमि को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखने के लिए आज हम अग्निदेव को प्रसन्न करेंगे, ताकि वो हमारी पुकार देवताओं तक पहुंचाए और देवता इस भूमि को पुनः पवित्र करने की कृपा करें। गांव वालों के सामने साईं का नाम नहीं ले रहे, पर मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। ना ही वो ढोंगी है, ना ही वो शिरडी छोड़कर भागा है। साईं ने मुझसे एक वादा किया था और वो वापस जरूर लौट कर आएगा। फकीर लग रहा है, इसके पास क्या मिलेगा? आजकल फकीर ही बहुत कुछ छुपा के रखते हैं। इसके पास कुछ ना कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मरेगा बेचारा। इसे मारकर क्या फायदा? भाई, लोगों में यह चेतावनी जाना जरूरी है कि जब भी डाकू मिले उससे बचने के लिए उनके हाथ में धन होना चाहिए। इसके बाद कोई भी यहाँ से गुजरेगा खाली हाथ नहीं गुजरेगा। चलो। क्या बात है भाई साहब, आप ठीक तो हैं? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है।
कहां भटक रहे हो? भटके तो तुम हो जो डाकू राणा के इलाके में आ गए। ऐसे क्या देख रहे हो? डाकू राणा का नाम नहीं सुना कभी? कभी तो मरने चले आए यहाँ, नए मालूम पड़ते हो। मैं तो हमेशा से यहीं था। अच्छा, फिर भी डाकू राणा का नाम नहीं सुना? डाकू राणा इस जंगल का राजा है, राजा वही फैसला करता है इस जंगल में कौन जिएगा कौन मरेगा। लोग उनके नाम से कांप उठते हैं। चलो निकालो जो भी तुम्हारे पास, सामने रख दो। देने के लिए अमूल्य धन है मेरे पास, लेकिन उसे सामने नहीं रखा जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस करना होता है, आत्मसात करना होता है। दगड़ू सरजा, लेकर आओ उसे। लो, आ गया बुलावा। डाकू राणा का बुलावा मतलब यम का बुलावा। पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए। नहर किनारे फेंक दो इन दोनों को। जानवर पानी के साथ साथ खाना भी खा लेंगे। जंगल में रक्त और वक्त सिर्फ राणा की मर्जी से बहता है। आंखें नीचे कर, साईं, जरूर मेरी ये घबराहट साईं के लिए है। हे खंडोबा, मेरे बेटे की रक्षा करना। अपने सच की रोशनी से डरते हो या झूठ के अंधकार से? ना तू बुद्ध है और ना मैं अंगुलीमा। क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? सुना नहीं तुमने? मैं इस जंगल का राजा हूं। लेकिन इस जंगल में तुमसे भी बड़ा एक राजा है राणा। इस जंगल में
और भी कोई राजा है और तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर। अगर ये बात सच हुई तो मैं तुम सबको मार दूंगा। नहीं नहीं सरदार, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस जंगल में आपके सिवा कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। जंगल का पत्ता पत्ता आपके नाम से कांपता है। मेरे आदमी इस जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को नहीं जानते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है ही नहीं। ठीक है, तू आज मिलवाओ मुझे। कहाँ है वो? यहीं, हमारे बहुत पास। ये कैसा राजा है हा? जो दिखाई नहीं देता। तुम अपनी आंखें बंद करो और उसे मन से याद करो, वो जरूर दिखेगा। खेल खेल रहे हो हमारे साथ? नहीं राणा, मैं सच कह रहा हूं। तुम अपनी आंखें बंद करो और उसे मन से याद करो, वो जरूर दिखेगा। ठीक है, तेरे मरने से पहले ये खेल भी खेल ले, बहुत मनोरंजन होगा। वैसे भी तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मेरे मन की आंखों में अगर वो राजा दिख गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो राजा नहीं दिखा तो मैं तेरा गला काटूंगा। कहाँ है तेरा राजा? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? लगता है मुझसे डर कर छुप गया है, सामने नहीं आ रहा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश में तेरा गला कटने वाला है। ये क्या फालतू के पेड़ पौधे दिखा रहा है? अब तू खेल हार गया है, अब इसकी सजा मिलेगी। तो ऐसे खड़ा है जैसे ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है। राणा की कुल्हाड़ी किसी को छू भी जाए तो खून की नदियां बहा देती है, फिर इसके शरीर से खून की एक भी बूंद कैसे नहीं बही? ना रक्त तुम्हारा और ना वक्त तुम्हारा। मेरे एक इशारे की देर है। अब बोल, राजा कौन?
शस्त्र की धार पर जो राज करे उसे राजा नहीं कहते राणा। राजा तो वो है जो अपनी प्रजा की सेवा करे, उनकी रक्षा करे, भयभीत नहीं बल्कि अपनी प्रजा को भय मुक्त कर दे, उनसे कुछ ले नहीं बल्कि अपना सब कुछ अपनी प्रजा को दे दे। और जानते हो राणा, असली राजा तो अपनी प्रजा के सुख का श्रेय भी नहीं लेता, क्योंकि वो उसे अपनी उपलब्धि नहीं अपना धर्म मानता है। उपदेश देके भटकाओ मैं। तुमने कहा इस जंगल में एक राजा है तो नजर क्यों नहीं आ रहा है? हम इंसानों की एक समस्या है राणा, जानते हो क्या, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। जब तुमने जंगल के इस राजा को देखना चाहा, उसे ढूंढना चाहा, तो तुमने अहंकार की नजर से देखा, नफरत की नजर से देखा, चुनौती की नजर से देखा। पर जिस राजा की मैं बात कर रहा हूं, अहंकार तो उसमें है ही नहीं, नफरत तो उसमें है ही नहीं, तो फिर वो तुम्हें कैसे दिखता? आदर्श राजा वो है जिसकी करुणा, जिसकी अच्छाई, जिसका प्रेम राज्य के कण कण में, प्रजा के उद्धार में साफ नजर आए, जो प्रजा के सम्मान, प्रजा की सुरक्षा, प्रजा के सुख में साफ प्रतिबिंबित हो, परिभाषित हो, वही राजा है। इसीलिए जब तुमने जंगल के इस राजा को देखने की कोशिश की, तो वो तुम्हें इस जंगल के पेड़, पौधे, पक्षियों के खिलते हुए चेहरों में नजर आए, उनके रूप में नजर आए, और तुम इस जंगल के देवता, वन देवता की महिमा को देखकर भी देख नहीं सके। बताओ राणा, दोष किसका है, देखने वाले का या दिखाई देने वाले का? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.